वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कई सालों में कोई एक ही ऐसी सीरीज आती है जिसे हम भुला नहीं पाते, और मनी हाइस्ट उनमें से एक है जिसका कल एंड हो गया, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैन इस सीरीज को कभी भुला पाएगा। अब दोस्तों, मनी हाइस्ट एक ऐसी वेब सीरीज है जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की जाती है, यानी कि बैंक ऑफ स्पेन से 90 टन गोल्ड निकाला जाता है, 90 टन सोना निकाला जाता है। आई होप सो आप सबने वेब सीरीज देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो भाई वीडियो को अभी से स्किप कर दो, क्योंकि सब कुछ स्पॉइल होने वाला है। खैर दोस्तों, बहुत सी मूवीज की एंडिंग देखी, बहुत सी सीरीज की एंडिंग देखी, लेकिन जो एंडिंग मनी हाइस्ट की हुई है यार, मैंने आज से पहले ऐसी एंडिंग नहीं देखी। आप खुद भी सोचिए कि आपने जब सीजन 5 वॉल्यूम 2 स्टार्ट से देखना स्टार्ट किया, तो स्टार्ट में आपको लग रहा था कि यार या तो एंड पे प्रोफेसर मारा जाएगा, या प्रोफेसर की टीम मारी जाएगी, या इनके हाथ से गोल्ड निकल जाएगा। लेकिन एंड पे दोस्तों तीनों की तीनों चीजें ये लोग हासिल कर लेते हैं। ना प्रोफेसर मरता है, ना प्रोफेसर की टीम का कोई भी मेंबर मरता है, और ये लोग सोना भी हासिल कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में जो सस्पेंस बिल्ड किया जाता है यार, ऐसा सस्पेंस नहीं देखने को मिला भाई, अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए होंगे। स्पेशली प्रोफेसर और एलिसिया को देखने के बाद मैंने इस सीरीज से एक बात सीखी है कि भाई लाइफ और लक दोनों ही बड़ी कुत्ती चीजें हैं यार, जाते जाते बदल जाती हैं। देखिए ना, जिस एलिसिया ने वॉल्यूम 1 में प्रोफेसर को गोली मारी थी, वही एलिसिया वॉल्यूम 2 में प्रोफेसर को हग करती है, प्रोफेसर के साथ मिलकर काम करती है, प्रोफेसर का गोल्ड ढूंढती है। और दोस्तों यही चीज मनी हाइस्ट को यूनिक बनाती है कि प्रोफेसर का जो भी एनिमी होता है वो प्रोफेसर का एंड पे दोस्त बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि प्रोफेसर उनके साथ गेम्स ही ऐसी खेलता है कि वो सब प्रोफेसर के दोस्त बन जाते हैं और प्रोफेसर मिलकर काम करते हैं। बात कर लेते हैं एक्टिंग की, तो दोस्तों सबकी ही एक्टिंग कमाल थी, चाहे आप एनिमी वाली साइड लो, चाहे आप प्रोफेसर की टीम, सबकी ही एक्टिंग लेवल की थी। लेकिन जो एक्टिंग बर्लिन कर गया है भाई, उसका कोई लेवल नहीं है। आई थिंक सो सब फैंस हो गए होंगे बर्लिन के, स्पेशली जब बर्लिन का बेटा और बर्लिन की वाइफ उसे धोखा देते हैं, तब बर्लिन का जो इमोशंस और तब जो बर्लिन की एक्टिंग होती है यार, वो नेक्स्ट लेवल होती है भाई। मैं फैन हो गया हूं बर्लिन का। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या मनी हाइस्ट स्क्विड गेम का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा या नहीं। और काफी सारे लोग कह रहे थे कि यार ये दो अलग अलग सीरीज है, इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। भाई लोग, हम कहां कंपेयर कर रहे हैं? स्क्विड गेम का अपना लेवल है, मनी हाइस्ट का अपना लेवल है। हम बस व्यूज के हवाले से इनको चेक कर रहे हैं कि क्या स्क्विड गेम पे जितने व्यूज आए हैं, क्या मनी हाइस्ट पे भी उतने व्यूज आ सकते हैं या नहीं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्क्विड गेम भी बहुत अच्छी थी, मनी हाइस्ट भी बहुत अच्छी थी, इन दोनों को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है व्यूज के हवाले से कि क्या व्यूज ब्रेक कर जाएंगे स्क्विड गेम को भी, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे बताओ कि वॉल्यूम 2 कैसा लगा है यार। मुझे तो भाई यकीन मानो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगा है। आप अपना रिव्यू मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप सो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।